आप मोदी जी को किसी सक्सेस स्टोरी से क्रेडिट करना चाहेंगे कि नहीं, उन्होंने ये मैं ठीक किया? बिल्कुल नहीं एक ही सक्सेस स्टोरी से करेक्ट करूंगा। दैट ही नोज हाउ टू रूल एंड हाउ टू रूल रूथलेसली। उन्होंने रूथलेसली रूल कर रहे हैं वो, लेकिन नुकसान कर रहे हैं देश का और समाज का। उनके लिए बेस्ट है अगर वो अभी छोड़ जाएं, इस चुनाव में हिस्सेदारी ना करें। 2024 के चुनाव की बात हाँ कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा क्या? नहीं, अगर हार के जाएंगे तो क्या बहुत अच्छा रहेगा। मैं ये गारंटी करता हूँ आपको कि 2024 में ये कामयाब नहीं होंगे। किस आधार पे आप इतना श्योरेंस है? मैं एक तो आपको अर्थमेटिक बता दिया किन किन स्टेट में हार रहे हैं, और ये नीचे आ गए अगर 200 पे तो इनको बीजेपी वाले ही हटा देंगे। चलिए आप, कोई जरूरत नहीं। आप बैठे हैं, तैयार हैं लोग, बैठे हैं तैयार हैं लोग। कौन लोग? बीजेपी के लोग, मतलब कि पार्टी के अंदर ही? हाँ, लीडरशिप पार्टी में इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जो खुद तैयार हैं जो कि तैयार हैं इनको कहने के, हटिए अब बहुत हो गया, हम संभालेंगे। और पार्टी के अंदर की वजह क्या है? वो इनसे ही इंसल्ट्स एवरीवन पर्सनली इंसल्ट कर, पर्सनली यानी कि उनका रवैया ठीक है? रवैया बहुत खराब है। ठीक नहीं, बहुत खराब। स्टेज पे लोग हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, देखते नहीं है उनकी तरफ। भाई अडवाणी जी जैसा आदमी खड़ा रहता है, उसकी तरफ देखते नहीं है मुड़ के। तो यानी कि अपनी पार्टी को भी वो उस तरह, वो एक वोट कैचर हैं तो वो जरूरी हैं, या वो आरएसएस के लिए जरूरी नहीं, माने आरएसएस जाते तो हैं? इनसे नाराज है। तो मतलब वो बने हुए हैं क्योंकि उनको जनता के वोट मिलते हैं? नहीं, उन अभी तक ये भरम है कि जनता का वोट मिलता है। जब वो भरम टूट जाएगा तो लोग हटा देंगे।